हेलो, आज हम करने वाले हैं चैप्टर डायरेक्शन दिशा। दिशा के बारे में आपको बहुत कुछ पता भी है, पर थ्योरेटिकली कैसे करते हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमें पता है, कभी भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ऊपर की साइड बनाते हैं उत्तर, नॉर्थ बोलते हैं जिसको, नीचे की साइड बनाते हैं दक्षिण जिसको हम साउथ बोलते हैं, दाईं तरफ बनाते हैं हम पूर्व जिसको हम ईस्ट बोलते हैं, बाईं तरफ बनाते हैं पश्चिम जिसको हम वेस्ट बोलते हैं। अब ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के बीच में जो एंगल होता है, कोण होता है, वो होता है 90 डिग्री का। पूर्व और दक्षिण के बीच में जो कोण होगा फिर 90 डिग्री का, दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो कोण होगा आपका दोबारा 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। अगर आपसे बोला जाए पूर्व और पश्चिम में, पूर्व और पश्चिम के बीच में जो एंगल होगा, कोण होगा, वो होगा 180 डिग्री का। उत्तर में और दक्षिण में जो कोण बनेगा वो दोबारा से आपका बनेगा 180 डिग्री का, सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण, सीधी रेखा के ऊपर जो कोण बनता है वो बनता है 180 डिग्री का। तो पूर्व के विपरीत होगी पश्चिम, उत्तर के विपरीत होगी दक्षिण, तो यहाँ पे एक जो कोण बनता है वो बनता है आपका 180 डिग्री का। अब ये रिप्रेजेंटेशन है। अब ये अगर उत्तर है आपका और ये पूर्व है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये नॉर्थ है आपका, ये ईस्ट है। अब इनके बीच में अगर कोई दिशा है, इनके सही बीच में, ठीक बीच में अगर कोई दिशा है, उसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा। अगर इसके विपरीत है, नीचे की तरफ है, इस पॉइंट से अगर नीचे की तरफ आ रहा है, उसी दिशा के विपरीत आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट के विपरीत होती है आपकी साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट, इनका बीच में एंगल 180 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे जो होगा वो होगा उत्तर पश्चिम, इसके विपरीत जो होगा वो होगा दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट, आपका नॉर्थ वेस्ट। ये दिशाएं हैं जो आपके को यूज करनी है, जो फॉलो करना है। अब देखो, अब बात करते हैं, अगर मैं ये एरो ओरिजिन के रेस्पेक्ट, ओरिजिन ना बनाऊं, इसके रेस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें अगर अलग अलग बनाएंगे सवाल में तो क्या होगा। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहा है, पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहा है। ये दिशा क्या, ये कौन सी दिशा बता रहा है, ये बता रहा है पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो इसको हम बोलेंगे पूर्व की ओर जा रहा है। ये दिशा क्या बता रही है, उत्तर की ओर जा रही है। उत्तर की ओर कोई जाएगा तो हम उसको ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर कोई दक्षिण की ओर आएगा तो उसको हम ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपके ये डायरेक्शन दे रखी है तो आपका माइंड में आना चाहिए कि ये कौन सी दिशा होगी, नीचे की तरफ और पूर्व की तरफ, नीचे की तरफ होती दक्षिण और ये है पूर्व, दक्षिण पूर्व की है, ये है आपका साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, ये कौन सा है आपका, नीचे की तरफ और पश्चिम की तरफ। अगर ओरिजिन यहाँ पे मान लो आप, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, ये वाली साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट को क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम। ये देखो नीचे से ऊपर की तरफ पूर्व पश्चिम की तरफ, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, ये ऊपर की तरफ भी है, पूर्व की तरफ है, तो उत्तर पूर्व। तो ये एरो का मतलब समझ में आ गया आपको, ठीक है। अभी हमने घूमना बता दिया, वामावर्त क्या होता है, हम बोलते क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घूमना, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत घूमना। तो ये सब कुछ कवर करने वाले हैं अभी हम। देखो, एक सवाल आता है आपका, ए पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है, वह 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़ जाता है, वह दोबारा से 5 किलोमीटर चलता है,
फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर हो गया, दोबारा से 5 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, पहले मुड़ा, पहले चला सीधा पूर्व की तरफ, फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर, फिर दाईं ओर, अब वो 3 किलोमीटर चलता है दाईं ओर, उसके बाद फिर से मुड़ जाता है बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है। बताइए उसने कुल कम से कम कितनी दूरी तय की, उसने कुल ए ने कुल कितनी दूरी तय की, कम से कम कितनी दूरी तय की। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कम से कम दूरी है आपकी, ये दूरी है जो कम से कम है। अब आपको ये बतानी है, बताइए अब कैसे बताओगे। अगर आप ऐसे जोड़ते 5, 10, 15, 23 तो ये आंसर गलत हो जाएगा, कम से कम वर्ड बोला है उन्होंने, अब कैसे करोगे। अब ये एग्जैक्ट इसको नीचे होती तो भी आप निकाल सकते थे इसकी वैल्यू की रूट 5, 5 रूट 2, 5 वर्ग 2, 5 रूट 2, इसको 4 निकाल, इसको फिर निकालते, फिर वर्ग में उसमें आता, रूट में आता ये। पर अब ये एग्जैक्टली इस सेंटर से नहीं, मतलब इस पॉइंट से नहीं है, ये भी इस पॉइंट से पास नहीं हो रही, ये भी इस पॉइंट से पास नहीं हो रही, तो कैसे निकालेंगे। लगेगा मुश्किल, मुश्किल है नहीं, लग रहा है मुश्किल है नहीं पर लग रहा है, अगर ध्यान से समझोगे सवाल को तो मुश्किल नहीं है। अब देखो मैं इसको थोड़ा हाथ तोड़ता मरोड़ता हूँ, फिर देखना, अगर ये दूरी 5 है, मैं इस लाइन को उठा के यहाँ से यहाँ रख दूँ तो ये बदल गई क्या, 5 दूरी थी तो 5 ही तो रहेगी अब यहाँ पे। अब जो ये दूरी 5 है, मैं इसको उठा के यहाँ पे रख दूँगा तो ये क्या रहेगी, ये 5 ही तो रहेगी। जो मैंने जोड़े हैं ये देखो एक बार, मैं इनको ऐसे लिख रहा हूँ, उठा के जो रखी हैं तो ये भी हट गई। अब इसकी बात करते हैं, इसको 5 को मैं उठा के ऊपर रख दूँगा तो कोई बदलेगा कुछ, और इस पूरे को उठा के पीछे ले आऊँ, मैं इस पूरे को उठा के पीछे ले आऊँ, पीछे ले आया भाई उठा के मैं कंप्लीट को, इसको 5 को उठा के ऊपर रख दिया मैंने। अब इसको भी रेज कर देता हूँ, अब क्या बन गई, त्रिभुज बन गई। ध्यान से देखो क्या बन गई, त्रिभुज। अब निकाल सकते हो, ये दूरी निकालनी है आपको, ये दूरी निकालनी है आपको, पता है ये 5 थी, ये 5 थी, ये 5 थी आपकी, ये 5 थी, 5, 5, 10, 5, 15, तो कुल दूरी कितनी हो गई, 15, ये कितनी हो गई, 8, 15 और 8, ये बताओ अब कितनी होगी। कितनी होगी, 17 होगी। कैसे होगी देखो, 15 का वर्ग, पाइथागोरस थ्योरम सबको आती है, 8 का वर्ग किसके बराबर होगा, 225, 64 किसके बराबर आ गई, 289, 289 किसका वर्ग होता है, जो दूरी निकालनी थी उसके वर्ग के। अब इन दोनों कंपेयर करूं मैं, डी स्क्वेयर बराबर 289, डी स्क्वेयर बराबर 17 का वर्ग, डी बराबर 17, डी का मान क्या आ गया, 17 आ गया, वैल्यू 17 आ गई। अब मैंने पहले बिना सोल्व के लिख दिया था, कैसे लिख दिया था, सीखना चाहते हो, टाइम बचाना चाहते हो पेपर में, देखो तो सीखो कैसे करते हैं, वर्बली करोगे बेटा ध्यान से पढ़ोगे तो। देखो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आपको लॉजिक्स पता है तो वो बनी कैसे है, वो चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो ऐसा सवाल आ जाए, करो अप्लाई इसको पाइथागोरस थ्योरम को, ये आपकी 112, ये है आपकी 113, करो अप्लाई, निकालो ये साइड, करो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई, 112 का वर्ग निकालो, एक्स का वर्ग 113 का, करते रहो कैलकुलेशन, 112 का वर्ग इसका वर्ग, बेटे एक ही सवाल में थोड़े नंबर लेने सारे, एक सवाल में तो एक ही नंबर मिलेगा। तो ये सब कुछ करने का एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, कभी अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, और वर्बली आंसर बता सकता था उसका क्या है। इस टाइप के कोई भी सवाल हो, खाली ये वैल्यू नहीं 112 113 ही नहीं, कोई भी वैल्यू हो उसका आंसर आएगा 15 नीचे वाले का।
मैं लिख देता हूँ अभी, प्रूव करके भी दिखा दूंगा आपको। ये 113 लिखा था मैंने, ये 112 लिखा था, ये 15 आएगा। कैसे आएगा वो अभी बताऊंगा, मैं प्रूव कर रहा हूँ। मैं एक बार ये इरेज कर रहा हूँ, अगर लिखना है तो आप इस डायग्राम को बना लो एक बार। 15, 8, ये 17। अब देखना ये वर्बली कैसे होते हैं। 3, 4, 5 याद कर लो एक बार। 3, 4, 5 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। इनको जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा, आएगा। 3 कैसी संख्या है? सम है, विषम है, ओड नंबर है, ठीक है, विषम संख्या है। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 19, 21 ये कैसी संख्याएं हैं? सारी विषम संख्याएं हैं, ओड नंबर्स हैं। अब करना क्या है, देखो 3 का वर्ग कितना होता है? 9। इनका जोड़ कितना है? 9। 5 का वर्ग कितना होगा? 25। इनका जोड़ 25 होना चाहिए, अंतर 1 का है, अंतर 1 का होगा। 7 दिख गया, 24, 25 वर्ग होता है 49। 24 जमा 25 बराबर 49। 5, 9 का वर्ग क्या होता है? 81। 40, 41, 81, 60, 61। 13 का क्या होता है? 169, 169। 169 क्या टुकड़े बन जाएंगे? 84, 85। 15 का 112, 113। देखो 112, 113 दिख रहा था तो पता चल गया 15 होगा। 17 का 289, 289 का मतलब कितना हो गया? 144 एंड 145। 19 का 361, 361 का मतलब क्या हो गया? 361 का मतलब क्या हो गया? 180, 181। 21 का 241, 241 का आधा कितना हो जाएगा? 241 का आधा कितना हो जाएगा? तो ये आएंगे। अब मैंने कुछ भी याद कर रखा है? नहीं कर रखा। मैंने तरीका पता है कि भाई अंतर एक होना है। वर्ग करो, एक घटा दो। वर्ग करोगे तो 25, 25 में से एक घटा दिया 24, 24 का आधा 12, उससे अगला 13। इसका वर्ग 49, 49 में से एक घटाओगे 48, 48 का आधा 24, 25। 9 का वर्ग 81, 81 में से एक घटाओगे 40, 80, 80 का आधा 40, 41। तो ऐसे बनते हैं ये। अब आप कहोगे सर कई ऐसे हैं जिसमें एक का अंतर नहीं होता। बेटा एक का अंतर नहीं होगा, इसको 2 से गुणा कर दूंगा, क्या बन जाएगा? 6, 8, 10। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 10 का वर्ग 100। इनका जोड़ करने पे क्या बन रहा है? यही तो बन रहा है। वर्ग इनका अगर डबल कर दो, दुगुना कर दूंगा इनका, इनको 2 से गुणा कर दिया सबको, तो यही लिखा जाएगा इनका, यही तो आएगा। अगर 3 से गुणा कर दूंगा, अगर अंतर 3 का दिख रहा है इसका मतलब 3 से गुणा कर रखा है। अंतर 2 का दिख रहा है, 2 से गुणा कर रखा है। 4 का दिख रहा है, 4 से गुणा कर रखा है। 5 का दिख रहा है, 5 से गुणा कर रखा है। तो फ़र्क क्या पड़ता है? इन्हीं नंबर्स को गुणा करते हैं किसी ना किसी नंबर से, नया पैटर्न बन जाता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इसको 3 से गुणा कर दूँ तो क्या बनेगा? 9, 12, 15। अब 9, 40, 41 दिख रहा था, 9, 12, 15 भी हो सकता है। 9 से ये पेयर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखो बात करते हैं सम संख्या की, विषम का आ गया, सम की बात करते हैं। 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये आ गए। 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 अब देखो इसका आधा कितना हो गया? 3। 3 का वर्ग था इनके बीच में, इसका आधा 4। 4 का वर्ग बीच में आएगा 16, तो 15, 17 अभी हम किया था, इसमें क्या दिख रहा था? 15 और 8 दिख रहा था आपको, 15 और 8 दिख रहा था, तो आपको पता है क्या आएगा? 17 आएगा भाई। 15 और 8 दिख रहा था इसमें, तो आप माइंड में अपने आप क्लिक करेगा कि 17 आएगा। इसका आधे का वर्ग बीच में आएगा, आधे का वर्ग आधा कितना हो गया? 3। 3 का वर्ग बीच में 9, इसका आधा 4, 4 का वर्ग 16, इसका आधा 5, 5 का वर्ग 25, तो 24, 26। इसका आधा 6, 6 का वर्ग 36, 35, 37। इसका आधा 7, 7 का वर्ग 49, 49 का एक पहले वाला और एक बाद वाला। 8 का वर्ग 64, 63, 65। 18 का वर्ग 9 का, 18 का आधा 9, 9 का वर्ग 81, 80, 82। 20 का
99 101। अब इनका करके देख लो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देख लो क्या करना मुश्किल है। अगर आपको पता है भाई उसमें 12 दिख गया आपको, वो एक नंबर और दिखेगा कोई, तभी तो तीसरी संख्या निकाल सकते थे आप। दो चीज़ दिख गई तो आपको पता चल जाएगा कौन सा वाला अप्लाई करना है। 9 40 41 आया था और इधर क्या आया था, 9 1 आया था, 9 12 15। इसमें कॉमन आ रहा है तो ये वाला पैटर्न बन रहा है, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो ये वाला पैटर्न बन रहा है। कॉमन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए। तो ये चीज़ें हम करने वाले हैं। एक सवाल किया था ऐसे अप्लाई होगा, मैं दो डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ जल्दी से, आप उत्तर करेंगे क्या आने वाला है उसका। ये लिखा हुआ बोर्ड पे जी टी, मैं इधर लिख देता हूँ सवाल, ये दे रखा आपको। मान लो ये दे रखा है आपको 9 और ये 9, ये दे रखा है 40 40। बताओ ये क्या आएगा, बताइए जल्दी से। ये 40 है, ये 40 है, ये 9 है, ये 9 है, ये दूरी बताइए। तो आपको क्या करना है, इसको 9 को उठाए इधर ले आए, ये 40 को उठाए ऊपर ले गए, त्रिभुज बन गई, अंदर वाले को मिटा दो। क्या आ गया ये 9 और 9 18, ये 18 है, ये 40 और 40 80 है। अब क्या दिख गया, मैंने क्या बताया था, छोटी संख्या कैसी है, सम संख्या है, इसका आधा करो वर्ग बीच में आएगा, आधा करो वर्ग बीच में, छोटी संख्या अगर सम संख्या है तो 2 का अंतर मिलेगा, 2 का अंतर मतलब 82, बड़ी साइड ये है तो ये 82 होगी। अगर छोटी संख्या सम संख्या है, छोटी संख्या विषम संख्या है तो 1 का अंतर मिलेगा, अगर उनमें कुछ कॉमन नहीं है तो, अगर उनमें कुछ कॉमन नहीं है तो ये उत्तर हो जाएगा 82। देखो इधर मैंने कहीं अप्लाई की पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई नहीं की, जरूरत नहीं पड़ती, पढ़ी है ऐसे ही पढ़ी है भाई, कोई जरूरत ही नहीं उसकी। चलो अगर ये चीज़ सीख ली, आपके ट्रिग्नोमेट्री, आपका एरिया क्षेत्रफल वाले चैप्टर में भी ये यूज होने वाला है, आपके सीरीज में भी यूज होने वाला है, मिसिंग करैक्टर में यूज होने वाला है, उसके बाद आपका ट्राइंगल चैप्टर में यूज होने वाला है, ये त्रिभुज वाले में, तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके कम से कम आधी जगह यूज होगा मैथ में। मैथ में कराऊंगा जब दिखाऊंगा आपको, यूज करके दिखाऊंगा कैसे यूज होता है। तो बेटा इस कॉन्सेप्ट को सीख लो, सीख लोगे अगर 1 नंबर भी ज़्यादा ले गए तो कंपटीशन में गाड़ी आधे नंबर से ही रहती है, 1 नंबर से ही रहती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जो थोड़ी सी मेहनत फालतू कर जाएगा, जिसको सही गाइड मिल जाएगी, सही टीचर मिल जाएगा, वो उसकी गाड़ी पार है जो सही मेहनत कर लेगा। कहते हैं मेहनत करने वालों को जो छोड़ देते हैं, मेहनत करने वाला जो छोड़ देते हैं किस्मत वालों को वही मिलता है, मेहनत करने वाले जो छोड़ देते हैं किस्मत वालों को वही मिलता है। जो मेहनत कर रहा है उसके पास चॉइस होती है कि वो क्या ज्वाइन करे, और किस्मत वालों के पास, कहते हैं लक वालों के पास चॉइस नहीं होती, उनको जो मिल गया वही करना पड़ता है, जहाँ नंबर पड़ जाए वही करना पड़ता है। अब आप देखो मेहनत करके अपनी करना चाहते हो, चलो अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।